हेलो दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान आज फिर आपके सामने आया हूँ। और आज आने के पीछे हमारा जो सबसे बड़ा और मेन रीज़न है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये जो पीछे बोर्ड दिख रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज आने के पीछे जो मेरा रीज़न है वो है कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और इस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिखाया, विश्वास दिखाया कि आज जो यूरेका टेक्नोलॉजी है वो इंडियाज का नंबर वन कंपनी बन चुका है। हमारा जो चैनल है वो इंडियाज का नंबर वन चैनल बन चुका है। और इस तरीके से आप अपने लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, प्यार और विश्वास दिखाते रहिए। वंस अगेन आई वांट टू से फ्रॉम बॉटम माय हार्ट थैंक्स टू एवरीवन, जो जिन लोगों ने हमें प्रमोट किया, जो लोग हमारे हमसे जुड़े, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे परिवार हैं। क्योंकि जो भी हमसे जुड़ते हैं, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे सिर्फ ऐसे कस्टमर्स नहीं है, वो हमारा एक परिवार बन जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो है एजुकेशन सेक्टर में, ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं, नॉट ओनली द ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर, ये जो स्मार्ट बोर्ड का जहाँ कहीं भी यूज होता है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो, वो हर वो जगह हम लोग इसको सप्लाई देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिनको इसकी ज़रूरत होती है। बट सबसे ज़्यादा जो आज के समय में लोगों को डिमांड है, लोगों का डिमांड है, वो है एजुकेशन सेक्टर से, वो है टीचर्स। जैसा कि अभी टाइम चल रहा है, कोरोना का जो काल चल रहा है, और इस टाइम में बहुत जगह लॉकडाउन है, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, और उनको पढ़ाने के लिए, अपने देश के एजुकेशन को बचाने के लिए, बच्चों का करियर जो है कंटिन्यू करने के लिए, कहीं उनके एजुकेशन में कोई गैप ना आ जाए, कहीं ना कोई एक मीडियम चाहिए, एक सोर्स चाहिए। और ये जो बोर्ड है उनको आज के टाइम में उनसे जुड़ करके पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए लाइक अ रियल टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहले जो ये जो बोर्ड है वो 75 इंचेस का बोर्ड है, और ये डायगोनल साइज होता है 75 इंचेस का, दैट इज़ द वेरी स्टैंडर्ड साइज। हम लोग इसको 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल कराते हैं, 65 इंचेस, 75 इंचेस, 86 इंचेस, और भी हमारे 98 और 55 है, बट एक्सेप्शनल्स हैं, वो जनरली हमारे अवेलेबल्स नहीं होते हैं, ना ही एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा उनके यूसेस हैं। और जो है अभी हम जो आपको दिखाएंगे, पहले तो मैंने विंडोज़ का इंटरफेस आपको दिखाया है। एंड्रॉयड के बारे में लोग हमें कमेंट्स में, सजेशंस में, फोन्स पे पूछ रहे थे, जो कि ऑलरेडी हमारे यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स, उनको तो हम लोगों ने बताया ही, बट और आसानी हो जाती है जब उनको एक वीडियोज़ मिल जाता है, टाइम टू टाइम वो देख लेते हैं, और क्या क्या बेटर फीचर्स हैं उन लोगों के लिए, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए भी, जो कि अब लेना चाहते हैं, उन सब के लिए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बताएंगे कैसे कैसे टूल्स हैं और कैसे बाकियों से डिफरेंट है, स्मूथ है। बहुत लोग का क्वेश्चन कि सर मैं आप ही का क्यों लूँ, क्यों ऐसा क्या है आपके टूल्स में, ऐसी क्या है आपके बोर्ड में, वो सारी चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बात लंबा ना हो जाए, इसलिए चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा दिख रहा है आज, ये बाई डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड इंटरफेस है, और इस इंटरफेस में जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे विंडोज़ है, विंडोज़ मतलब कि विंडोज़ का ऑप्शन जो मैंने बताया था, जैसे कि कंप्यूटर की तरह जो है अपीयरेंस आता है, जो पहले हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शंस में भी आपको मिल जाएगा। दूसरा स्क्रीन शेयरिंग है, ये स्क्रीन शेयरिंग जो है इससे हम लोग मोबाइल को, लैपटॉप को, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, मैक हो, उन सबकी शेयरिंग वायरलेसली कर सकते हैं, और एक बार में इसे वायरलेसली 4 डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जो तीसरा है हमारा बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, जो जिसमें सारे टूल्स आपको हैं जो पढ़ाएंगे आपको एंड्रॉयड का। चौथा ब्राउजर जो नेट ब्राउजर होता है, फाइल व्यूअर्स है, गैजेट्स हैं, और यहाँ पे हमने क्रोम को ऐड किया एक्सटर्नली, और इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और एक्सटर्नली एप्लीकेशंस भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बताया, ये आपको दिख रहा होगा,
दिस इज़ द थिंग, ये एक वाइट है बाकी ब्लैक है, ब्लैक पे जब मैं जा रहा हूँ नो सिग्नल्स, तो इसमें जो बिल्ट इन पी सी है HDMI 2 HDMI 1 डिस्प्ले पोर्ट HDMI फ्रंट VGA, तो जो भी हमारे इसमें HDMI VGA ये जो पोर्ट है डिस्प्ले पोर्ट है फ्रंट में भी है आपको दिख रहा होगा और बैक साइड में भी है बॉटम में भी है, ये सारा कुछ इसमें आपको मिलता है। साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ जिसमें भी कनेक्टेड रहेगा ये चीज़ें दिखाएगा, तो एक टाइम पे 6 डिवाइसेस अलग अलग कनेक्ट हो जाएगा और उसका प्रीव्यू भी नज़र आता है अगर यहाँ पे ऐसे हम लोग क्लिक करते हैं तो। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने बिल्ट इन पीसी जो पीसी है उस पर मैंने क्लिक किया तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्या है इसमें। इस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है हमारा आपको दिख रहा होगा ये टास्क बार है अलग अलग बोर्ड के लिए, होम के लिए, बैक जाने के लिए, पीसी के लिए, तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड है, इन दोनों को अगर हाइड करना हो या कुछ और भी सेटिंग्स है बीच बीच में हम बताते रहेंगे। अब हम आते हैं बोर्ड पे, इसको मैंने क्लिक किया, ये हमारा जो है फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ दिस बोर्ड। सबसे पहली चीज़ जो है बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि हमारा जो क्वालिटी है ये बड़ी हार्ड है सॉलिड है ऐसे करके या ऐसे करके, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम लोग का स्ट्रेंथ है। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आवाज़ जा रही है, हमारा स्क्रीन तक ब्लिंक कर रहा है और दब रहा है, तब भी ये कुछ नहीं होता है। ये हमारा डेमो पीस है, वहीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर रोज़ हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वो खुद इस पे हाथ पिटते हैं पटकते हैं, स्क्रैचेस भी नहीं आता है, तो दिस इज़ द क्वालिटी। ठीक है, अब आते हैं हम, ये जो टूल्स दिख रहा है बड़ी नीट एंड क्लीन टूल्स हैं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली भी बात नहीं होती है। लोग कहते हैं कि सर इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे बहुत ही टफ है, बट आप बिल्कुल देखिए जितने भी अभी तक लोग हैं जो कि बिल्कुल ही टेक से भी नहीं थे, टीचर जो थे टेक से भी नहीं थे, ऐसे लोग जो टेक से भी नहीं हैं वो लिए, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। आज उनकी ये आदत सी पड़ गई है, अब कहते हैं सर इसके बिना पढ़ाना तो लगता है कि अधूरा अधूरा सा है कुछ। तो आइए अब इसके टूल्स को देखते हैं। जो ये पहला दिख रहा है ये पेन है, दूसरा हाईलाइटर, हाईलाइटर के नाम से आप समझ रहे होंगे, ये सिलेक्टिंग टूल्स है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, इरेजर है रिडू अंडू करने के लिए, ऑल क्लीन करने के लिए, झाड़ू टाइप का दिख रहा है क्लीन स्वीप कर दीजिए ब्रूम में। यहाँ से हमारा इंडेक्सिंग पेज ऐड होता है, जैसे अभी दो हैं फर्स्ट इंडेक्सिंग पेज पे हैं, इस तरीके से वो बढ़ते चला जाता है, यहाँ से आगे पीछे पेज को करते हैं। और दूसरा बहुत सारे लोगों का कहना ये भी था कि फ्लिकरिंग आती है, अभी हमारा मैं खुली बताऊं अगर ये होता इधर से कि मैं रिवर्स आपको दिखाता तो मैं मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन से हमारे जो बोर्ड में है यूरिका के बोर्ड में है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो इस तरह का क्वालिटी आती है कि थोड़ा सा भी आपको फ्लिकरिंग नहीं आएगा। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे क्वालिटी भी कितनी अच्छी दिख रही है। और अब हम पेन से ये लिख करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि जब हम लिखते हैं तो बहुत स्लो आता है डिले आता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन, ये देखिए मैं कितना फास्ट लिख रहा हूँ, और आप छोटा बड़ा जितना भी लिखना चाहते हैं, ये देखिए मैं बहुत छोटा लिख करके देखता हूँ जितने की कॉपी पे नॉर्मल कॉपी पे भी हम लोग लिखते हैं साइज वो, तो आपको ये दिख रहा होगा। दूसरा सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये जो पेन है दो पीछे में थोड़ा सा थिक है आगे से थोड़ा पतला है, मैंने आगे से लिखा आपको एक कलर आया, दूसरा कलर अगर ये देखिए ऑटोमेटिकली दोनों साइड से अगर आप लिखते हैं और अगर आपने सेटिंग किया हुआ है तो दोनों तरफ से अलग अलग कलर आता है। मैं जो लिखूंगा उसके ज़्यादा वर्डिंग या उस पर नहीं जाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या बाकी चीज़ों पे, क्योंकि इट में भी कि गलत हो सकता है। अब आते हैं दूसरा, ये जैसे मैंने ये दिखाया ये आपका एक साइड से पेन दूसरे साइड से दूसरे कलर पेन में काम कर रहा है, वैसे ये जो दूसरा साइड या थिक साइड है वो इससे भी काम करता है फिंगर से भी, और ये देखिए पेन से वाइट या पेन से दूसरे साइड से मैंने किया तो थिक वाला, ये आप भी इसके वन साइड आप रख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पेन, और दूसरे साइड इरेजर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको इरेज करने के लिए 5 फिंगर इरेजर 5 फिंगर टैप हियर, और उसको आप ऐसे इरेज कर सकते हैं या 1 फिंगर भी कर सकते हैं या अपने पाम से भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो है सहूलियत है और बड़ी स्मूद है, आप मेरी बात माने जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे या करते हैं जो भी कस्टमर, यू कैन गेट द फीडबैक हमारे
इंडियाज में, पूरे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे और इस बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, हर तरह के कस्टमर्स हैं, हर तरह के हमारे अब मेंबर बन चुके हैं, वो परिवार बन चुके हैं और आप भी बन सकते हैं। और मैं बीच में एक बार और कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें प्यार दिया था, अगेन आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ऑफर है। बिकॉज कि अभी कोरोना काल में लोग बोल रहे हैं कि सर पैसे की कमी है, हम लोग कैसे बोर्ड लें, क्या करें, तो उन सब के लिए है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक बने रहिए, देखते रहिए। देखिए मैं आपको सोल्यूशन दिलाऊंगा कि ये हर कोई आसानी से परचेज कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बाकी जैसे कि टूल्स हैं। ये हाइलाइटर, हाइलाइटर को मैंने टैप किया, इस तरीके से कलर आ रहे हैं, यहाँ से मल्टीपल कलर्स हो जाते हैं, ये उनकी थिकनेस होती है। जैसे कि ये पेन में था, पेन में भी कलर आ रहे हैं, मल्टीपल कलर्स आ जाते हैं, उनकी थिकनेस यहाँ से बढ़ती है। इरेजर के लिए मैंने बता दिया कि डायरेक्ट यू कैन इरेज फ्रॉम 5 फिंगर लाइक दैट, और ये अंडू रिडू कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात आपके कमेंट्स को लेकर के कर लेते हैं, फिर जो बाकी टूल्स है उसकी हम लोग उसका हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं जो कमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू। तो ये सॉरी जी, तो जो कमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, आपके फीडबैक के बारे में। तो सबसे पहला जो बहुत हम लोगों को कमेंट्स आ रहा है कि सर प्राइस के बारे में बताइए। देखिए मैं प्राइस के बारे में हम लोग वहाँ पे इसलिए नहीं बताते हैं अभी, क्योंकि पहले हम लोगों ने कमेंट्स में बताना शुरू किया था, जब कोई एक प्राइस चल रहा है एक सर्टेन टाइम पे, तो उस टाइम के लिए वो प्राइस होता है, अप एंड डाउन हमेशा प्राइस होते रहता है। तो बहुत लोगों का कहना था कि सर आपने तो प्राइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा है, अभी आप फ़ोन पे वो दूसरा प्राइस बता रहे हो, गलत बता रहे हो, या वहाँ पे प्राइस कम लिखा हुआ है, आप अभी ज़्यादा बता रहे हो। तो इसलिए लोगों को बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप जो हमारा नंबर चल रहा है नीचे स्क्रॉलिंग में, उस पर आप इंक्वायरीज कीजिए, पता कीजिए कि उस टाइम का ये क्या है, रेट क्या है, ठीक है, आपको ऑफ़र क्या मिल सकता है। क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ अब से जो है, अभी एक शुरुआत हुआ है ट्रेंड, जिसको ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सुन रहे होंगे वो ये ट्रेंड है कि हर महीना ऑफ़र चलता है, और हर महीना जो पहले 10 कस्टमर होता है उनको हम लोग बहुत ही अच्छा ऑफ़र देते हैं, एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट का ऑफ़र देते हैं। जो फर्स्ट 10 कस्टमर इन एवरी मंथ, वो फर्स्ट 10 कस्टमर हमारे एक दिन में वो ऑफ़र कंप्लीट हो जाता है, 2 दिन और 10 दिन में भी, ये आपको डिसाइड करना है कि वो फर्स्ट 10 कस्टमर्स में आप पहले आते हैं कि नहीं। तो वो आप देखिए कि कैसा है आपका, आप भी आइए, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, आप कॉल कीजिए, अभी भी जो नंबर चल रहा है उस पर आपको पता चलेगा कि आपको ये ऑफ़र कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। रियली जब आप कॉल करेंगे, आप विश्वास मानिए, बात मानिए, यू विल गेट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको ये मिलेगा। और वैसा ही नहीं, हमारे और भी ऑफ़र आने वाले हैं, जो कि मैं थोड़ा सा टूल्स के बारे में बताऊंगा, और फिर आगे मैं उस ऑफ़र के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं या जो नए बनेंगे या एग्जिस्टिंग होंगे, उसके बाद भी उनको कैसे बेनिफिट हम लोग करा रहे हैं या दे रहे हैं। तो चलिए हम लोगों ने अब ये हाइलाइटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हाइलाइटर है, हाइलाइटर में मैंने वही ये थिक वाला कर लिया, तो देखिए ये नॉर्मली हाईलाइट ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये है सेलेक्टिंग टूल्स। सेलेक्टिंग टूल्स का क्या काम है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कहीं भी मैं मूव कर सकता हूँ, अगेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ये जो है छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। और वही नहीं, बहुत सारे टूल्स हैं। अब जैसे मैं इनको अगर अंडू करूँ, तो ये देखो अंडू भी हो जाता है, रिडू भी हो जाता है। अगेन मैं इसको अगर सेलेक्ट किया, ऐसे आपको अगर दिख गया, ये इधर मैं ले जाऊँ, और इनका अगर मुझे कलर चेंज करना है, यहाँ पे मैंने टैप किया, यहाँ पे डिलीट करने का, कट कॉपी पेस्ट का, बहुत सारे टूल्स हैं। और यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर कलर यहाँ पे टैप करके अगर चेंज करना चाहूँ, तो मैं कलर चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखो अभी मैंने कलर चेंज किया है, हो सकता है डीप पे मैंने डीप कलर लिया, आपको ना दिखाई दे रहा हो, बट कलर चेंज हो गया। इस तरीके से
प्रॉपर्टीज हैं और जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये जो है हमारा इरेजर है, इरेजर से हम लोग ऐसे इरेज करते हैं, जो कि डायरेक्टली कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेजर से ही हो, ऐसे फाइव फिंगर भी इरेज होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे स्क्रीन में बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग आती है, चीज़ें आती है, नॉट इवन दिस कलर, आप स्पेशली इस पर भी चेक कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे थोड़ा भी फ्लिकरिंग हमारा नहीं आ रहा है, दिस इज़ द वाइट बेस कलर। मैं यहाँ पे ब्लैक पेंसिल लेकर के लिख करके दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। माय नेम इज गौरव राज चौहान, और बहुत सारे लोग लेटेंसी और स्पीड की बातें करते हैं, तो अभी आप ये देख रहे होंगे माइक्रोसेकंड्स क्या है। हम लोग डाटा पे बात नहीं करते हैं, एक डाटा सीट पे बात नहीं करते हैं, रियल टाइम बात करते हैं। और बहुत सारे जब हमारे यहाँ लोग कॉल करते होंगे तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को रियल टाइम डेमो दें, ऑफिस बुलाएं, और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा हम लोग बुलाते हैं, और इसीलिए प्रेशराइज करते हैं कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, दिस इज़ नॉट द स्मॉल अमाउंट, दैट इज़ द वेरी ह्यूज अमाउंट। जब आप इतना पैसा बड़ा खर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को जज करना होगा, क्योंकि जो है हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कस्टमर जो है ना वो ठगे गए हैं हमारे इसी मार्केट में और इसी चीज़ में। और कहता है कि दूध का जला छाछ भी फूक करके पीता है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोग जो हैं एक जगह से जब ठगे जाते हैं तो दूसरी जगह भी बहुत ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा हैं ऑलरेडी पहले से, क्योंकि उनको इस तरीके का बना दिया जाता है, सोच तो उस हिसाब से ही आता है। तो भैया मैं पिछले वीडियोस में भी बोला था, अगेन भी मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देख करके चीज़ें लें, प्रोडक्ट देख करके समझ करके लें। और वैसे लोग जो बड़ी सिंपल काम करते हैं, हमारी इंडस्ट्री को भी बदनाम कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कुछ कमाने के लिए जो है जुगाड़ वाले प्रोडक्ट्स, जैसे जो अपने इंडिया में कहा जाता है जुगाड़, वो करके दे देते हैं, गलत प्रोडक्ट उनको दे देते हैं। आप एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म तो कीजिए कि आपके पास है क्या चीज़ें, कैसा दे रहे हैं, फिर उसमें आपकी गलती नहीं है, फिर कस्टमर नहीं बोलेगा। और हम लोगों के साथ हर वीक, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों कॉल्स पर डे आते हैं, तो हर वीक ऐसे कुछ ना कुछ कस्टमर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं से वो चीटेड हैं, और बड़ी दुख होता है। और हम लोगों से जो बनता है ज़रूर हम लोग उनकी हेल्प करते हैं उसमें बताने की, वो सर्विस भी नहीं देते हैं, वो बाद में सपोर्ट भी नहीं करते हैं, उनको थोड़ी सी चीज़ भी होती है वो भी नहीं बताते हैं। तो बिल्कुल आप कीजिए। मैं अभी एक रिसेंटली बात करता हूँ कि हमारे पास कॉल्स आया था, नॉट एक, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, बट अभी दो तीन दिन पहले की बात है, मुझे याद आ गया, हमारी ही बात हो रही थी। एक्चुअली क्या था कि मेरा जो है कॉल लेकर के आई, बोली कि सर इनका थोड़ा सा ऐसा क्वेरीज है। क्वेरीज ये था कि ये सेम टूल्स, सेम बोर्ड किसी ने यूज कर रहा था, और वो बोला कि सर मुझे चाहिए, बट जो आप दिखा रहे हैं वो बोर्ड बिल्कुल सही नहीं है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो आप दीजिए। हमारे जो कॉलिंग पे लड़की थी उसने बताया कि सर ये जो है हम लोग का बोर्ड बहुत ही बेहतरीन है, इसके लिए मैं चैलेंज भी कर सकती हूँ ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। बट उसने कहा कि नहीं, आप ये मेरा देखिए, मैं वीडियोस भेज रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है। तो बड़ी दुख होता है कि मार्केट में बहुत ही डुप्लीकेसी भी है प्रोडक्ट की, तो डुप्लीकेसी है, ऐसा लोग ना करें या बता के करें तो सही बात है, बट आप ये तो कह सकते हैं कि भैया इसमें इतनी लेटेंसी है, इतनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें देख लीजिए आप जो है। और दूसरा ये भी है, कभी कभी कस्टमर जो है, देखिए हर किसी की टेंडेंसी होती है, इसमें सिर्फ कस्टमर का ही है, ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ सामान लेने जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कम पैसे में, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि कम में अच्छा मिलता है। एक इकोनॉमिकल जो है प्रोडक्ट हमें मिले, एक बजट में सही मिले, हर चीप प्राइस पे चीप ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक कम प्राइस पे, एक नॉमिकल प्राइस पे आपको सही प्रोडक्ट मिले जो वैल्यू फॉर मनी हो, इसके लिए आप जाइए। 5-10 हज़ार रुपये आप देखते हैं, और कभी कभी लगता है जब आप इतने लाखों में खर्च कर रहे हैं, 5-10 हज़ार के चलते आप ठगे जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे 5-10 हज़ार के लालच में आप ना जाएं और ऐसा ना करें, ठीक है। और अब आगे आते हैं फिर से अगेन टूल्स पे।
कुछ टूल्स के बारे में फिर से कर लेते हैं डिस्कस। तो इसको अगर ऐसे इरेज कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया से इरेज हो रहा है। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये तीन आपको आइकन्स, ये एक हमारा फोल्डर है, जो फोल्डर बना हुआ है, जो भी यहाँ पे है, जो अभी रिसेंट यूज हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, वो चीज़ें आपको आ रहा होगा। यहाँ से जाएंगे आप कहीं भी, जो है आपका जो मेन स्टोरेज है उसमें आप जा कर के आप जो भी फोल्डर वोल्डर बना हुआ है वहाँ से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैं बैक करके बोर्ड पे आ गया। दूसरा जो इसमें है, ये आपको दिख रहा होगा आइकन्स, इसमें यहाँ पे सर्च करने के लिए आ रहा है, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कर लूँ सर्च इंडिया मैप, तो यहाँ पे इंडिया का मैप आ जाएगा, या आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, आप अपने पर्पस के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद जो इमेजेस आएगा, इसमें सिर्फ इमेजेस सर्च होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यूज करना है, चाहे वो बायोलॉजी रिलेटेड हो, साइंस, एनी साइंस स्ट्रीम रिलेटेड हो, मैथ रिलेटेड हो, जो भी आपके रिलेटेड सर्च है, इमेजेस सर्च है, डायरेक्ट आप सर्च करें। जैसे कि ये आ गया, और आपको जो देखने में लगे कि सही रेजोल्यूशन है, सही चीज़ें हैं, आप उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये इधर मैंने ले आया, इसको जितना भी बड़ा करना है, जैसा ये रेजोल्यूशन होगा इमेज का, वैसा ये दिखाई देगा आपको, वैसे ही इसकी क्वालिटी आएगी। अभी इसकी थोड़ी सी फट रही है बिकॉज ऑफ कि ये जो है बढ़िया पिक्चर्स इट में भी नहीं था, तो मैं कुछ और भी आपको पिक्चर्स जिसका रेजोल्यूशन बढ़िया है, इसका रेजोल्यूशन सही है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये बिल्कुल ही क्लीन नज़र आएगा, देख रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें, और यहाँ पे आप राइटिंग भी कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी ऐसे आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको जो है आप सेलेक्ट करके इधर भी हटा सकते हैं, इसको इरेज करना है इसको इरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं इजीली। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बात भी करते रहेंगे, टूल्स भी बताते रहेंगे। आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों का जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज रहता है कि मैं पीपीटी कैसे यूज करूंगा, पीडीएफ कैसे यूज करूंगा, और पीपीटी पीडीएफ यहां पे कैसे आएगा, कैसा दिखेगा, बड़ी आसान है। और एक्सटर्नल डिवाइस से मैं डाटा कैसे इसमें ले सकता हूँ, या डाटा इसमें कैसे रख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि आप ही के लिए हम बात कर रहे हैं, और आप ही लोगों के बदौलत यहाँ बात कर रहे हैं। वीडियोस लाने में मुझे बड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो है, आप लोगों ने जिस हिसाब से उत्साह और प्यार दिखाया, हमारे साथ विश्वास दिखाया, और ऑल ओवर इंडिया से हमें बड़ी लोग लाइक कर रहे हैं, और आज तक एक भी 0.0001% भी चांसेस नहीं है जहां कहीं भी लोगों ने कहा हो कि नहीं, आपने हमें धोखा दिया, आपने हमें गलत किया। आज तक कैसा रिकॉर्ड नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा बिल्कुल। और इसी तरीके से हम लोग आपके लिए डटे रहेंगे, और वीडियो कोशिश है कि टाइम स्पेयर बनाया जाए और उसको जल्दी किया जाए। एक और चीज़ आपकी जो कंप्लेन रहती है, मैं वो बता दूँ, कॉल्स की, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैंने बहुत बार कॉल किया, बहुत देर कॉल किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों का कॉल जो चल रहा होता है, तो उनका बीच में कॉल नहीं काट सकते, और उस दौरान आपका कॉल आता है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 दिन से मैं कॉल आपका ट्राई कर रहा था और इस तरीके से हमारी बात नहीं हो पाई, अगेन आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फॉर यू पीपल, बट बहुत ही जल्द हम लोग जो है इसका भी रेजोल्यूशन कर रहे हैं। जो आपके जितने भी कॉल्स आएंगे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और कभी कभी भी शायद ही कमी चांस होगा कि लोगों को वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी जो भी अभी वेटिंग्स भी आता है, उनको हम लोग कॉल बैक अपने एंड से बहुत होता है कि कॉल बैक हम लोग उनको करें, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें, बट कभी कभी लेट हो जाता है, छूट जाता है। तो थोड़ा सा आप हमारी चीज़ों को समझिए, बट बहुत जल्द इसको हम लोग दूर करने वाले हैं। और अभी बड़ी हमारा जो यंग डायनेमिक जो टीम है, एजुकेटेड टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, आपकी कामों में लगा हुआ है, रिसर्च में लगा हुआ है, आपके लिए पूरा सोल्यूशंस कम से कम सस्ते में हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलने वाले हैं, और बोलते भी हैं, दिखाते भी हैं, आपको भी मार्केट में दिखता होगा जब। लेकिन क्या है कि बोर्ड लगा देना, दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशंस। अगर कोई बोर्ड ले रहा है और वो चाहता है कि मुझे रिकॉर्डिंग क्लास के लिए, लाइव क्लासेस के लिए मेरे पास बाकी कैमरा माइक या बाकी एक्सेसरीज है या नहीं है, यही दो कंडीशन होता है। अगर है तो ऐसा नहीं कि आपका बोर्ड अगर लिया तो सिर्फ बोर्ड कराइए, हम लोग उसको सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज कराते हैं, सब एक दूसरे के साथ अटैच कराते हैं, उसके पर्पज़ जो है वो सॉल्व कराते हैं।
दिस इज आवर एम, और यही कारण है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं और इंडिया आज का नंबर वन चैनल और इंडिया आज का नंबर वन कंपनी बन गए हैं। डे बाई डे कस्टमर्स को हमारा सर्विसेज देना, लगाना, इंस्टॉलेशंस और बहुत सारे हमारा हम लोगों को स्टूडियो बनाने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन कराने का, वर्चुअल क्लास कराने का, एक जगह से दूसरी जगह रियल टाइम टाइप का क्लास जो सेटअप करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और जिसका कि इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा हमारे कस्टमर्स को भी हो रहा है। और नॉट इवन द एक्सपीरियंस, हमारी टीम भी वैसी है, बड़ी फास्ट लर्निंग एंड रिसर्चिव टीम है, तो डेफिनेटली यू गेट द बेनिफिट। और शायद यही कारण है कि आज हम लोग आपके बदौलत यहाँ पे हैं, नंबर वन के पोजीशंस पे हैं। अगेन आप लोग इसी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट करते रहिए हम लोगों को, जो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं कस्टमर्स उनके लिए भी, और जो अभी नया देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियोज़ आएगा। अभी तो हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस और टूल्स लाने वाले हैं, बहुत सारा रिसर्च चल रहा है और अब बहुत जल्द जल्द और बहुत सारी वीडियोज़ आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का, जो कोरोना अभी चल रहा है, कोविड 19 का टाइम, लॉकडाउन का टाइम, पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है और हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। बट जो एजुकेशन है किसी भी देश का जो है वो बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक थिंग होता है, वही डिसाइड करता है कि ये देश आगे कैसे जाएगा, इस देश का एजुकेशन सिस्टम क्या है। ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसमें हमारे यहाँ के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज टीचर लोग भी बड़ी परेशान हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कहाँ से पढ़ाएं, तो कभी कभी कुछ लोग टूटे हुए लगते हैं। यही टाइम है, यही राइट टाइम है सब लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि राइट टाइम इसलिए है कि अब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जाना नहीं है, कोचिंग क्लासरूम्स के लिए आपको रेंट नहीं देना है, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रेंट नहीं देना है, और आपको उस तरीके से स्टाफिंग मैनेज नहीं करना है, बिजली बिल का टेंशन, पानी का टेंशन, दिस दैट, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो आपको कि पता है, स्टाफिंग का टेंशन। अभी लोग कहते हैं कि हमें बोर्ड लगाना, इतना महंगा बोर्ड है। बिल्कुल, आपका बोर्ड जो है पहले 5,000 में आता था, आप लोग बोलते थे, लेकिन रेंट कितना जाता था, टाइम कितना लगता था आने जाने करने कराने, और एक लिमिटेड ही स्कोप था कि आप पढ़ा सकते थे। आज हर वो टीचर, चाहे वो किसी गांव में भी बैठा हो, वहां से बैठ करके बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकता है, विजुअल कॉन्सेप्ट दे सकता है। और जिन लोगों ने ये हिम्मत किया, बहुत सारे छोटे छोटे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे जगह भी लगाया है और ऐसे लोग जिनका कि मैंने हिम्मत देखा कि जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, उन लोगों ने लगाया कि मतलब फुस का घर जो होता है वैसे जगह में रहते हैं, और वैसे जगह में उन्होंने लगाया और वहाँ से आज वो बहुत एक अच्छा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो एजुकेट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आपसे भी जुड़ सकते हैं। अब कहेंगे नहीं सर, हम तो ले लेंगे, कैसे जुड़ेंगे, उसमें भी बिल्कुल हम आपको हेल्प करते हैं, 100% हेल्प करेंगे कि आपके साथ कैसे लोग जुड़ेंगे। हर किसी का एक फैन फॉलोइंग होता है, हर किसी का एक फैन फॉलोइंग होता है, आपने भी देखा होगा, आपका भी फैन फॉलोइंग है, मत भूलिए इस बात को। अगर आप आते हैं, अब आपका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ तो एक सर्टेन एरिया में ही मेरे जो बच्चे आ सकते हैं वो आएंगे, नहीं, दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया कैच कर सकते हैं, नॉट ऑल ओवर इंडिया, अगर कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे अभी टेक्नोलॉजी के साथ जो भी अपडेट नहीं होता, ये दुनिया की सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप ये चीज़ें हैं कि जो भी अपडेट नहीं होगा समय के हिसाब से, उसका पतन निश्चित है। और समय के हिसाब से मौका देख करके अगर उस पर चौका लगाना, वही आगे बढ़ता है। आज बहुत बड़ा कोचिंग है, बहुत बड़ा नाम है, जहाँ जिनके नाम से बच्चे जाते थे, मैटर्स नहीं करता है। आज लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे खुद के एप्लीकेशंस हैं लोग बना रहे हैं, और सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडियाज़ पे आ रहे हैं। आप भी आइए, बिल्कुल आइए, आप आइए और देखिए कितना आपका इसको फ़ायदा है। आप अगर आते हैं इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मैं कैमरा को कैसे फेस करूँगा, लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं,
मैं वैसे तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि आप इमेजिन नहीं करेंगे, उन्होंने बोर्ड से स्टार्ट किया, नॉर्मल बोर्ड से, वो लाइव कैमरा रख करके किसी तरीके से किसी सामान के ऊपर रख करके वो लाइव होना शुरू किए, और धीरे 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 वो इतने ग्रो कर गए हैं कि उनका एक इंडियाज़ लेवल पे बहुत बड़ा नाम है। आप भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लोगों को लगता है कि मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे सर, आपके पास एजुकेशन है, आप क्यों नहीं देंगे? दीजिए, अब तो आपके पास ऐसा स्कोप है कि आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी बेनिफिट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। पहले अगर आप 500, 1000, 2000 बच्चों को एक बार में पढ़ाते थे, अब आप यहाँ 10,000 या 20,000, 50,000, लाख, मिलियंस बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। और ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि बूस्ट करने की बात है, आपको बिल्कुल आना ही होगा। जो आएंगे बड़े से बड़े अगर कोचिंग्स या ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम पे तो लोग क्लास में जा कर के पढ़ेंगे नहीं। यही मौका है आपके लिए, आप आइए, अपना नाम बनाइए। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको इस भीड़ में बहुत ज़्यादा अगेन कंपटीशन हो जाएगा। मैंने अगेन कहा, हर किसी का फ़ैन फॉलोइंग है, हर किसी का, हर तरह के लोगों का, तो आपका क्यों नहीं होगा? बस यही मन में बात रखिए। और बाकी हम तो हैं ही आपको कराने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो और बाकी विजुअल कॉन्सेप्ट का ज़माना है, बच्चे यही सोच रहे हैं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होता है। वो आपने कोडक फिल्म का नाम आपने सुना होगा, क्या हस्र हुआ वो जब अपडेट नहीं हुआ, डिजी कैम आया, नोकिया, नोकिया मोबाइल की कंपनी का कौन नहीं नाम जानता है? मुझे लगता है हर वो यूज़र जो मुझे देख रहा है वो जानता है। वो जब भी एंड्रॉयड आया, उसको अपडेट, उस पर अपडेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, नॉट अ सिंगल नेम। आज कोरोना है, कोरोना का काल चल रहा है, अगर जिधर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है या उस तरीके के लोग हैं, अगर क्या मैं उनके संपर्क में जाऊँ, उधर जाऊँ, रूल्स की धज्जियाँ उड़ाऊँ, तो क्या होगा? होंगे हम भी उससे इन्फेक्टेड, और हमारी भी वही असर होगी जो एक कोरोना पेशेंट की होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से, जैसे कोरोना अगर आ गया तो उससे हमें डिस्टेंसिंग रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, जो कि बना करके चलना है। और हम लोग जो है इसमें आई प्रोटेक्टिव भी दे रहे हैं, अब इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। और बहुत जल्द जो है हम लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, टीचर्स का टीम है, एक ही बोर्ड पे आना है, पढ़ाना है, तो ऐसा दे रहे हैं कि ये हमारा एंटी फंगल भी होगा, उससे भी प्रोटेक्टेड भी होगा कि अगर किसी ने आकर के, वो पहले बंदे ने यूज़ किया, अगर वो चला गया, दूसरा बंदा आएगा, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा किसी भी तरीके के वायरस का, बैक्टीरिया का या छूने का। इस तरीके का बहुत जल्द वो बोर्ड भी लेकर के आ रहे हैं जो अभी नहीं आया है। बट आप जल्दी जल्दी अपडेट हुई है, सोचिए मत, सोचिए मत, हमारा काम भी चल रहा है, आप भी करते रहिए, ठीक है। और ईएमआई का है, आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेरीज रहता है ईएमआई का, कि ईएमआई हम लोगों को चाहिए, हम लोग के पास इतना नहीं है। ये मत सोचिए, ईएमआई तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कैसे किया जाए, और जल्दी हो सकता है अगर आ जाएगा तो हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे, आप लोग हमेशा टच में रहिए। बट इसकी कोई गारंटी भी मैं नहीं लेता हूँ, गारंटी नहीं। हाँ, ईएमआई अभी हम लोग ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे दे रहे हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसके टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। तो इसके टूल्स में अब हम लोग देखने जा रहे थे कुछ, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको कि हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। और इसमें जो है मैथमेटिकल टूल्स में, अगर सॉलिड कलर के साथ करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे सॉलिड कलर के साथ। अगर कलर मैं चेंज करके करना चाहूँ तो ये भी आपको दिख जाएगा कलर चेंज के साथ, इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको मैंने विंडोज़ भी दिखाया था, ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के साथ साथ विंडोज़ है, एक ओपीएस होता है छोटा सा डिवाइस, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। और आते हैं कि एंड्रॉयड में अगर हमें पेन ड्राइव यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। इस पेन ड्राइव में मैंने कुछ डाटा रखा हुआ है, ये आप इसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं, जो भी इसमें स्टोरेज डिवाइस है, या आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल पेन ड्राइव, ये सारे कुछ चीज़ें आप यूज इसमें कर सकते हैं। मैंने पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाया है, और यूएसबी पोर्ट में लगाने के साथ साथ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे।
ये हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। एंड्रॉयड में भी बहुत सारा बैकग्राउंड है, अपने हिसाब से कस्टमाइज बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि एंड्रॉयड में ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं कर पाते हैं अपने हिसाब से, बट यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि मैंने एक दो चेंज करके दिखाया था, अभी और भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा पेन ड्राइव दिख रहा है, मैं पेन ड्राइव में जा रहा हूँ और चीज़ें आपको यहाँ पे जो मेरे फाइल फोल्डर हैं मैं देख लेता हूँ, इसमें ये है और इसमें कोई भी मैं उठा लेता हूँ। ये आप देखिए, मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए इसका ऑफिस सूट इस हिसाब से स्टार्ट हो रहा है, ये वेरी फर्स्ट टाइम सिर्फ ऐसा होता है। और इसको मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग ये इस तरीके से आने लगता है, इसको आप हटा भी सकते हैं ऐसे, और इसको हम जूम भी कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हट गया और ये आपको दिख रहा है ऐसे। इस हिसाब से आप यहाँ पे जो है, ये जो है अब आपको हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पे पीडीएफ यूज करने के लिए, पीडीएफ देखिए ये हमारा पेन ड्राइव लग गया और ये मैंने गया पीडीएफ को, मैंने पेन ड्राइव से यहाँ पे एक्सेस किया, ओपन किया और इसके ऊपर जो है हम लोग इस तरीके से ब्लैक पेन है ये रेड पेन से ऐसे लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पे सॉल्यूशंस बताना है हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना फास्ट है, अगर इसको इसका जो थिकनेस है अगर मुझे थोड़ा मोटा करना है तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि मेरा ये क्वेश्चन आया ऐसे, और क्वेश्चन के बाद जो है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो, वाइट पेज होता है, आधा में मेरा क्वेश्चंस रहे, आधा में पीडीएफ रहे, फिर मैं उसको यूज करूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब ये होता है ना, जैसे इधर ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में है, थोड़ा सा गैप दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए ब्लैंक जगह रहेगा जिसमें कि आप जो है सॉल्यूशंस कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा भी देता हूँ, ये जैसे इसको मैंने अगर यहाँ से ये हटा दिया तो यू विल गेट द स्पेस हियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर जैसे नीचे से शुरू होता है पीडीएफ में, तो ये क्वेश्चन है इसके बारे में, यू कैन डेराइव हियर, ये ब्लैक या कोई भी आप कलर ले लो, इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस के बारे में आप बता भी सकते हो, नेक्स्ट भी जा सकते हो, और पेज बाई पेज ये सेव भी होते रहता है आपका। ठीक है, और आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे बढ़ जाओगे, और इस तरीके से जो हो आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग जो है इसमें पीपीटी भी यूज कर सकते हैं, और पीपीटी भी यूज करते हैं, और अगर यहाँ पे कोई पीपीटी है तो मैं आपको वो भी कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये जो पीपीटी है आ गया, इसको भी मैं अगेन साइड कर दूं, सॉरी, ठीक है, ये फुल स्क्रीन हो गया और हम लोग जो है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो है हम लोग ब्लैक पेन है, येलो ले लेता हूँ, ये दिखेगा, मोटा कर लेता हूँ, जो भी आपको लिखना है यू कैन राइट हियर, और ये हमारा पीपीटी है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट आ गए हम फिर से, और इस पे जब हमें लिखना है या हाइलाइटर यूज करना है, इस तरीके से हाइलाइटर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी आप कलर ले लो, हाइलाइटर ले लो, ये इस तरीके से दूसरा कलर भी हम लोग ले सकते हैं, हाइलाइटर हाईलाइट यूज कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जाना है, सेव भी होते रहेगा ये हमारा, और इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते रहेंगे, इस तरीके से हमारा पीडीएफ हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे पहले हम लोग को अलग अलग बैकग्राउंड यूज करने हैं, यहाँ से अलग अलग बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे मैंने टच किया, ये पूछ रहा है कि कोई आपका पहले से, अगर आप अपना अलग अलग कलर में बैकग्राउंड कोचिंग के नाम या लोगों के साथ बना सकते हैं, वही आपका बोर्ड का जो मेन है कलर और बैकग्राउंड बन जाएगा और नाम ऊपर में फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है तो मैं वो दिखा देता हूँ, या इसको ले लेते हैं, जैसे ब्लैंक तो है नहीं, इसको ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, ये एक है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ,
कुछ भी, कोई भी कलर का पेन लेकर के, ठीक है, ये इरेज किया, ये इरेज नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरा कस्टमाइज, एक हमने पेज बना लिया और कुछ भी मैं नेक्स्ट करूँगा, देखिए नेक्स्ट पेज मेरा हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, ये चौथा पेज है, फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखिए पांचवा पेज है, तो नेक्स्ट इस पे ये है, मतलब ये लोगो अगर यहाँ फिक्स हो जाए या कुछ आपका इन्फॉर्मेशन, तो ये फिक्स रहेगा और आप इसके ऊपर लिखते रहिए, बताते रहिए, बीच में इसलिए हर्डल्स आपको लग रहा होगा क्योंकि अभी कोई मेरा बैकग्राउंड लोगो बना हुआ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, और बस यही है, और मैंने ऑलमोस्ट दिखाई दिया है आपको, ये एक ब्राउज़र वाला जो चीज़ें नहीं दिखाया था मैं वो भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि ये मेरा गूगल ब्राउज़र पेज, गूगल सर्च इंजन खुला है, यहाँ पर मैंने टैप किया, इसको जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना है इजिली यू कैन गेट द स्क्रीनशॉट, यहाँ पर टच करना है, स्क्रीनशॉट भी आ गया, इमेजेस सर्च, स्क्रीनशॉट, ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस तरीके से जो है अलग अलग बैकग्राउंड का आप चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अलग अलग लिया था, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पेशेंस दिखाया और चीज़ें देखा है, इस तरीके से आप हमें लाड़ प्यार और हम पे भरोसा दिखाते रहिए, जिस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में हमारा डे बाई डे ब्रांचेज बढ़ रहा है, डीलर जुड़ रहे हैं, रिसेलर जुड़ रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग ऑल ओवर इंडिया में डोर टू डोर सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज के लिए बिल्कुल चिंता नहीं है। हाँ, एक और कमेंट्स के बारे में, कॉल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि लोग बोल रहे थे कि पेमेंट्स का सीरियसली दिस इज़ द ह्यूज अमाउंट और बड़ी ट्रस्ट की बात यहाँ पे होती है, हम लोग प्रोसेस से काम करते हैं, बिल्कुल आप उस प्रोसेस में आइए, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोसेस में भी हम लोगों ने कहीं और से कंपनी के नाम पे चीट हो गए, बट डेफिनेटली आप हमारे यहाँ ऐसा एक भी रिस्पॉन्स नहीं सुनोगे, और कंपनी के नाम पे अगर जेन्युइन है तो कभी भी कोई चीटेड नहीं हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम करते हैं, और वही जगह चीटेड हो जाते हैं जहाँ पे कि हमें बहुत सारी चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में आ जाते हैं, कुछ 5-10 हज़ार के लालच में आ जाते हैं, अगर कोई अगर लाख रुपए का चीज़ है तो वो 50 हज़ार में हाउ इट इज़ पॉसिबल, अगर कोई 1.5 लाख का चीज़ है तो 1 लाख में हाउ इट इज़ पॉसिबल, 1,10,000 में हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसे जगह बहुत सारे लोग चीटेड हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो ये एंड्रॉयड आपने देखा है, इस एंड्रॉयड में दो बोर्ड है, एक तो इंटरफेस आपने यहाँ पे देखा, और एक और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं होम पे गया, बहुत सारे टूल्स ऐसे मैंने नहीं दिखाया था, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से, और जो भी आप इंस्टॉल करेंगे वो भी आएगा। अब मैंने व्हाइट बोर्ड में अभी हम लोग ये यूज़ कर रहे थे, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ बोर्ड, अभी आप ये हमारा बोर्ड देखिए नया, और ये जो है अगले वीडियो में जल्दी लेकर के आएंगे जी। आप हमारे वीडियो को जो भी लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाएगा, नोटिफिकेशंस आएगा और ये अगला वीडियो मिलेगा, बड़ी धमाकेदार नीट एंड क्लीन, ये भी जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कलर उलर सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके का ये इसमें भी बोर्ड है, और भी एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें मैंने ये लिखा, पेन का कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए इस साइड से किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड में अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि स्क्रॉल कर सकते हैं, जो कि विंडोज़ में हमने दिखाया था, यहाँ फिंगर से स्क्रॉल कर सकते हैं, आप लिखते जाइए स्क्रॉल करते जाइए, एंड्रॉयड में बोर्ड एंड नहीं होगा, चाहे उसको लेफ्ट राइट करना है स्क्रॉल या टॉप टू बॉटम करना है, ये कर सकते हैं, और भी बहुत सारे धमाकेदार इसमें चीज़ें हैं, तो आगे वीडियो में मैं ये लेकर के आऊँगा, बेल आइकन्स दबाइए, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, सो बस थैंक यू फॉर loving me, loving our company, loving our team. Thank you, everyone.